क्या है, चुनाव में दिया हुआ है कि एक चुनाव है उसके अंदर 35% वोटर्स हैं, उन्होंने पी को वोट दिया है। किसको वोट दिया है? कोई भी व्यक्ति है पी, कैंडिडेट पी, उसको 35% वोटर्स ने वोट दिया है। तो 100 में से हम कह सकते हैं 35% ऑफ वोटर वोटेड फॉर कैंडिडेट पी, तो 35% लोगों ने पी के लिए वोट किया है। ठीक है, ये पी है कोई। और उसमें से जबकि 50% है, 50% ऑफ रिमेनिंग वोटेड फॉर कैंडिडेट क्यू। अब बचे कुचे कितने हैं? 65% बचे कुचे हैं। इस 65% का भी 50% है वो क्यू को वोट किया हुआ है। क्यू मतलब कि 50% इसका क्या होगा? 32 दुनी 64, यानी 32.5%। तो 32.5% जो लोग हैं उन्होंने क्यू को वोट किया है, ये दिया हुआ है। इफ द डिफरेंस बिटवीन दोज हु वोटेड फॉर कैंडिडेट पी एंड दोज हु डिड नॉट वोट वाज 1000, यानी डिफरेंस क्या है? जिन्होंने पी को वोट दिया है उनमें डिफरेंस, और जिन्होंने पी को वोट नहीं दिया है, तो पी को वोट नहीं दिया वो कितने हैं? 32.5% है, क्योंकि ये 32.5% है, इन्हीं लोगों ने क्या है, क्यू को वोट दिया है। इसका मतलब पी को वोट नहीं दिया इन लोगों ने। तो 35 और 32.5 में अंतर कितने का है? यहाँ पर 2.5 का अंतर है। ये 2.5 का अंतर जो है ये इक्वल टू दे रखा है किसके? 1000 के। किसके इक्वल दे रखा है? 1000 के। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 1000 है। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एलिजिबल फॉर कास्टिंग ए वोट इन दिस इलेक्शन वाज। तो यहाँ पर पूछा है कि चुनाव में मतदान करने के लिए योग्य व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो पहली बात तो ये हमें पता होना चाहिए कि 2.5 इक्वल टू ये आ गया। अगर 1 की वैल्यू निकाले तो 4 आ जाएगी। 1 की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 400 इसकी यूनिट आ रही है, एक वैल्यू यूनिट की वैल्यू। अब 400 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये एक यूनिट की वैल्यू है, हमें 100 की यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 40,000 आ जाएगा। तो 40,000 हमारा आंसर होगा। ये टोटल वोट है, यानी योग्य व्यक्तियों की जो संख्या है वो 40,000 है यहाँ पर। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में ये है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है कि भाई अंजलि है, अंजलि का वजन है वो 60 किलो है। 3 महीने बाद उसका वजन है 20% और बढ़ जाएगा। अभी 60 किलो है, 3 महीने बाद 20% और बढ़ जाता है। अगले 3 महीनों में 25% बढ़ जाता है। तो 6 महीने के बाद अंजलि का वजन क्या होगा? तो देखिए, 60 किलो तो अभी है, 60 किलो में अभी ये बोल रहा है कि 20% बढ़ गया है। 20 मतलब बढ़ गया है, मतलब हम 20 को कह सकते हैं, 20% को ले सकते हैं 1/5, मतलब कि 6/5 हो गया है। अभी ये 6/5 हो गया, 20% बढ़ गया है। उसके अगले 3 महीने में ये 25% बढ़ जाता है। 25% का मतलब हम लिख सकते हैं 1/4, 1/4 को लिख सकते हैं, यानी 4 में 1 बढ़ रहा है, मतलब 5/4 हो रहा है, तो 5/4 और बढ़ रहा है। तो ये फाइनल 6 साल बाद में जो वजन आ जाएगा, कैसे आ जाएगा? 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, और 4 से ये 15 चौक 60 और 15 6 की 90 है। 15 से मल्टीप्लाई किया, 90, तो यानी 90 आ जाएगा वजन, जो हो जाएगा यहाँ पर 90 हो जाएगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है सीधा सीधा कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। अब ए की आय है, बी की आय से 40% अधिक है। 40% अधिक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं 40% अधिक का मतलब 40% को कैसे लिख सकते हैं? हम 40% को लिख सकते हैं 2/5, ऐसे लिख सकते हैं। 2/5 मतलब ए की आय है बी की आय से 2 ज्यादा है। अगर बी की आय 5 है तो ए की आय बी की आय से 2 ज्यादा है, यानी ए अनुपात बी हम लिख लेते हैं यहाँ पर। 2 ज्यादा मतलब 7:5 हो जाएगा। दूसरा दे रखा है बी की आय है वो सी की आय से 20% कम है। 20% कम है मतलब कि हम कह सकते हैं कि इसको 20% कम को कैसे लिख सकते हैं? कि इसको लिख सकते हैं 1/5, मतलब कि अगर सी की आय से 20% कम है, अगर सी की आय हमारी 5 है, किसकी? सी की आय अगर 5 है तो 20% कम है, मतलब ए की आय 1 कम है, 1 कम मतलब 4 होगी,
तो ए की आय बी की आय कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, यानी 4:5 हो जाएगा यहाँ पर, ये बी अनुपात सी है। ठीक है, अगर ए बी सी हमें निकालना है, ए बी सी का अनुपात क्या होगा, और यहाँ पर सी की आय दे रखी है 2500 रुपये, तो ए की आय पूछी है, तो पहले सी की आय निकालने, पहले ए बी सी का अनुपात हम निकाल लेते हैं। ए बी सी का अनुपात हम कैसे निकालेंगे, ए बी सी तो एक तरफ है 7:5 और एक तरफ है 4:5, तो देखिए 7 × 28, तो 28:5, 5 × 20 अनुपात, 5 × 25, ठीक है, ये हमारा अनुपात आ गया है। अब इसमें ये दे रखा है कि सी की आय है 2500 है, अब सी की आय 2500 दे रखी है, ए की आय पूछी है, तो ए की आय हम डायरेक्ट लाइन यहाँ से निकाल सकते हैं। सी की आय 2500 है, यानी 25 की वैल्यू 2500 दे रखी है, इसका मतलब एक की 1 यूनिट की वैल्यू 100 आ गई, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2800 आंसर हो जाएगा हमारा, तो डायरेक्ट हमारा 2800 आंसर रहेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन क्या है, यदि एक्स का 23% 46 है तो एक्स का मान क्या होगा। अब एक्स का 23% 46 है, जैसे मान लो इसको ऐसे लिख लेते हैं हम, ये एक्स है, अगर इसका 23% दे रखा है 46 के, इसका मतलब 1% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 200, तो 200 हमारा आंसर हो जाएगा, ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में ये, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, एक परिवार का कुल आय दे रखा है 30% बचाता है, एक परिवार है कुल आय का 30% वो बचाता है, ठीक है, 30% बचाता है, सेविंग करता है, और बचत राशि व्यय के आधे से 600 कम है, तो बचत राशि के बारे में छोड़ दीजिए। एक परिवार कुल आय का, जैसे मान लेते हैं कुल आय उसकी, इनकम जो है उसकी 100 है परिवार की, और उसका वो कुल आय का 30% सेविंग करता है, तो अगर उसकी सेविंग यहाँ पर 30% दे रखी है, तो यानी एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 70%, यानी 70% है वो खर्च कर देता है, 100 में से 70 रुपये खर्च कर देगा वो। अब ये जो 35 है, बचत राशि व्यय के आधे से 600 कम है, अब व्यय जो है उसका आधा करें, उसका आधा कितना, 35 व्यय के आधे से 600 कम है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो 600 के बराबर है, तो ये 5 का डिफरेंस है, 600 दे रखा है, क्योंकि बचत राशि जो दे रखी है उसकी सेविंग जो है वो खर्च के आधे का से 600 कम है, यानी इन दोनों के बीच में 600 का डिफरेंस है, 5 की वैल्यू दोनों के बीच में एक्चुअल डिफरेंस 5 है, 5 का वैल्यू 600 दे रखा है, तो एक की वैल्यू कितना आ जाएगा, 12, 120 आ जाएगा, एक का मतलब 120। अब ये कह रहा है, व्हाट अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इज स्पेंड ऑन एजुकेशन इफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज स्पेंड ऑन हेल्थ फूड एंड एजुकेशन। तो हेल्थ फूड और एजुकेशन पर जो खर्च किया जाता है वो किया जाता है 3:5, 5:6 में, यानी एजुकेशन पर 6:5 उसने वो खर्च कर देता है अपनी कमाई का हिस्सा का। अब 6 अगर वो खर्च कर रहा है, तो टोटल पहली बात तो उसका 1 की वैल्यू 120 आ रहा है, तो 70 को 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा उसका। टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है, 8400, 1200 की 1200 84, 8400 रुपये आ रहा है। और 8400 रुपये में हम क्या कर सकते हैं, ये कितना आ रहा है, तो टोटल 6, 5, 11, 8, 3, 14, 14 की वैल्यू 8400 आ रही है, यानी एक की वैल्यू कितनी आ रही है, एक की वैल्यू 600 आ रही है। अभी ये पूछ रहा है एजुकेशन पर कितना खर्च कर रहा है, तो एजुकेशन 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एजुकेशन में जैसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 आंसर आ जाएगा, क्योंकि तो एजुकेशन का अनुपात है वो 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3600, तो एजुकेशन का पूछा है तो 3600 हमारा आंसर है। अगर एजुकेशन की जगह वो फूड का पूछता तो 5 × 600 कर देते, यानी कि 3000 आ जाता। अगर वो फूड की जगह पे हेल्थ का पूछता तो हम 600 × 3 कर देते, यानी 1800 आंसर आ जाता।
अभी एजुकेशन का पूछा तो 3600 हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, जैसे एक गांव की जनसंख्या दे रखी है, वर्तमान जनसंख्या है वो 1000 है, कितनी दे रखी है 1000 दे रखी है। अब ये 1000 है, उसकी जनसंख्या है हर साल 10-10% बढ़ रही है। अभी 1000 है, अब 10% बढ़ रही है, इसका मतलब 110/100 होगा। 110/100 को हम लिख सकते हैं 11/10, और ये 3 साल तक बढ़ रही है इसी तरीके से, 11/10 और 11/10। तो 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, तो 3 जीरो कट जाएंगी, 1331 हो जाएगी जनसंख्या, क्या आ जाएगी हमारी 1331। 1331 हमारा आंसर हो जाएगा। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक चुनाव है, चुनाव में 78% मत पाने वाले उम्मीदवार है 504 मतों के अंतर से हार जाता है, यानी उसको चुनाव में 78% मत मिल रहे हैं 100% में से, 100 में से 78 मिल रहे हैं, मतलब बचे कुचे कितने, 22, 22 ही तो बचे। तो मत 78% मत पाने वाला उम्मीदवार 504 मतों के अंतर से क्या हो जाता है, इलेक्ट किया जाता है 504 मतों से। 504, अब ये कह रहा है कि 504 मतों से वो जीत जाता है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स पोल्ड, तो 78% मत उसको प्राप्त हुए हैं, से ए कैंडिडेट हु गेट 78% वोट्स इन इलेक्टेड बाई मार्जिन ऑफ 504, यानी 504 मतों से वो जीता है। तो यहां पर देखें, बाईस परसेंट, अब इन दोनों में अंतर कितने का है, यानी एक बंदे को 22% वोट मिले हैं, एक बंदे को 78% वोट मिले हैं, फिर ये मार्जिन कितने का, 56% का मार्जिन है। अब ये 56% की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दे रखी है 104, 504 दे रखी है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1% का वैल्यू क्या होगा, 504 में 56 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, या फिर 14 से काट दे, 14 चौक 56, और 14 से काट दे, 14 42, 8 14 6 84, 36 आ रहा है। अभी 100% हमें निकालना है, यानी इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जैसे ही 36 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 25 6 150 आंसर लगी, 15 25 75 और 15 80, यानी 800 हो गए हैं। तो कुल मतों की जो संख्या है यहाँ पर 800 आ जाएगी, तो ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि यहां पर हम देख सकते हैं, एक चुनाव में उम्मीदवार खड़े हैं, केवल 2 उम्मीदवार खड़े हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला है। अब ये कह रहा है कि 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला है, यानी 100% अगर डालते तो उसमें से ये कह रहा है 20% मतों ने, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला है, 20% ने अगर वोट नहीं डाला है तो वोट हमारे कितने बचे, हमारे पास 80% ही वोट बचे, 80% मतदाता ही बचे, और 1000 वोट हैं वो अवैध घोषित कर दिए गए हैं, तो इनमें से भी 1000 हैं वो अवैध घोषित कर दिए गए हैं, उनको तो उनका कोई मतलब नहीं है। दी विनर बाई ऑब्टेनिंग 70% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, अब ये जो वैलिड वोट है ये इनका 70% विनर को मिला है, एंड डिफीटेड हिज रिवेल बाई 1200 वोट्स, और उसका जो हारने वाला उसको 1200 वोट से हरा दिया है, यानी अगर 70% वैलिड वोट का विनर को मिला है तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 30% मिला होगा, 30%, 30% का मतलब हम कह सकते हैं, जैसे टोटल वैलिड वोट रहे हैं 70%, यानी 70% टोटल वैलिड वोट हैं, उन 70% का हारने वाले को 30% मिला है, 20% ने यहां पर वोट ही नहीं किया है, तो हारने वाले को 30%, 30% को कैसे ले सकते हैं, 2/5,
या 3% को ऐसे भी कर सकते हैं हम। सर जैसे विनर बाय ऑब्टेनिंग 70% ऑफ टोटल वैलिड वोट, इसके 70% अगर इसको मिल जाए तो अपने हारने वाले को 1200 वोटों से हरा देता है। तो अगर इसका 70% इसको मिल रहा है तो बाकी उसको दूसरे को किसे मिलेगा, 30% ही मिलेगा ना। देखिए इसका हम करेंगे कैसे, 30/100 ये दे रखा है 1200, तो ये तो हारने वाले को वोट हो गए 1200, लेकिन डिफरेंस हमें निकालना है। डिफरेंस कितना है, 70% इसको मिले 30% उसको, मतलब 40 का डिफरेंस है। तो 40/100, 40/100 को हम लिख सकते हैं 2/5, तो यहां पर हमें लिखना होगा 2/5, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे 2/5, ओके 2/5, क्योंकि जीतने वाले को अगर इनका 70% मिल रहा है, हारने वाले को 30% मिल रहा है, मतलब अंतर कितने का, 40 का अंतर है ना, तो 40 का अंतर ही हमने कर दिया 40%, यानी ये जो वैलिड वोट है इनका 40% हमने बता दिया 1200 के बराबर, और इसमें हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसमें एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं हम। 80x, 80x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4000, क्योंकि 12 12 से मल्टीप्लाई करें इसको, ये 600 बार कटेगा, 2 से 5 की 30, 3000 और 1000, ये 4000 हो गया, यानी x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 50। x की वैल्यू 50 आ गई। अभी ये पूछ रहा है चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या, वैलिड इनवैलिड छोड़ दो, कुल संख्या, कुल संख्या मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इधर भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये, और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5000 आ जाएगी। तो 5000 हमारा आंसर होगा, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन दिया रहेगा, 5000 वो हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए एक उम्मीदवार है, उसको 90% वोट यहां पर मिले हैं, दो उम्मीदवार के बीच में चुनाव हुआ है, तो यहां पर जरा समझ लेते हैं क्वेश्चन को। दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव हुआ है, चुनाव में 90% मतदाताओं ने अपना मत डाला हुआ है, तो 100 में से 90% ने मत डाला हुआ है, इसका मतलब 10% ने मत यहाँ पर नहीं डाला है, ठीक है। इसमें से 5% मत है अवैध घोषित कर दिए गए हैं, 90% लोगों ने मत डाला है, 90% में से भी 5% मत है अवैध घोषित कर दिए गए हैं, यानी 90 का हमें कितना निकालना है, 95% ही निकालना है, क्योंकि उसका भी 5% अवैध घोषित हो गए हैं, तो 95/100 ये हमारे वैलिड मत हैं जो कि डाले गए हैं, वैलिड वोटर्स हैं जो कि डाले हैं। एक उम्मीदवार को 12,825 मत मिले हैं जो कुल वैध मतों का 75% थे। अब ये इन कुल वैध मतों का 75% यहाँ पर बताया गया है, यानी इसको सॉल्व करें, इनका 75%, 75% का मतलब 3/4, कुल वैध मतों का 75% जो है वो दे रखा है 128/25, ठीक है, ये दिया हुआ है 128/25। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 19 95, 5 से काटा, 5 से कट गया 20 बार, 10 से 10 कट गया, ठीक है। 19 से इसको काट देंगे,
और या पहले 3 से काट लेते हैं, 3 से कट जाएगा ये, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 7 3 21, 5 3 15, फिर 19 से काटते हैं, 19 दूनी 38, 4 बचेगा, फिर 19 दूनी 38, 9 बचेगा, 19 5 95, तो 19 से भी कट गया। अभी 9 से भी काट लेते हैं, 9 3 9 दूनी 18, 4 बचा, 9 5 45, अभी कुछ नहीं कट रहा। अभी 25 × 8 कर लेते हैं डायरेक्टली, 25 × 8 कितना हो गया, 200 हो गया। अभी ये पूछ रहा है कि उस चुनाव में कितने मतदाताओं की कुल संख्या है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 200 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कुल के लिए, तो कितना आ जाएगा, ये 20,000 आ जाएगा। तो उस चुनाव में क्या है, टोटल मतदाता जो है वो 20,000 थे, तो 20,000 हमारा आंसर होगा। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये तो हमने देख ही लिया है, इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैसे क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हमें समझना है इस क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को समझना है। रोहन स्पेंड 24% ऑफ एन अमाउंट ऑफ मनी ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी 100 में से वो क्या करता है, 24 है वो इंश्योरेंस पे खर्च कर देता है। उसके बाद में 36% है वो फूड पे खर्च कर देता है। ये 24% इंश्योरेंस पे खर्च किए, 36% उसने फूड पे खर्च किए। उसके बाद में 18% है वो चिल्ड्रन के एजुकेशन पे खर्च कर देता है, ठीक है, और 14% है वो रिक्रिएशन पे खर्च कर देता है। इस पर खर्च कर देता है, रिक्रिएशन पर खर्च कर देता है, रिक्रिएशन पर। तो इस तरीके से उसने खर्च कर दिया। इतना सब खर्च करने के बाद में उसके पास में 504 रुपये बचते हैं, तो इतना सब खर्च कर देगा तो कितना बचेगा, देखिए 24 और 36 और 18, 20 और 30 50, 50 60 70, 70 और 82, 82 6 88, 88 और 4 92, यानी ओनली 8% बचा। 8% की जो वैल्यू है वो यहाँ पर दे रखी है 504 के इक्वल, तो 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 6 48, 2 8 3 24, 63 वैल्यू आ गई, ये बन की है, 1 यूनिट की वैल्यू 63 है। अब ये पूछ रहा है भोजन और बीमा पॉलिसी पर मिलाकर कुल कितना खर्चा हुआ, तो भोजन ये है और बीमा पॉलिसी ये है, दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो रहा है, 60 हो रहा है, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे 63 को, तो 63 को जैसे ही 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 0 और 6 3 18, 1 6 9 36, 37, यानी 3780 हमारा आंसर आ जाएगा। 3780 ही हमारा आंसर होगा ये वाला ऑप्शन। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 5 लाख रुपए क्रय मूल्य वाली एक कार है, उसको 6 लाख रुपए में बेच दिया जाए, यानी कहीं ना कहीं लाभ तो हो रहा है उसको 1 लाख रुपए का, 5 अनुपात 6 में किसका लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है, 5 पे हो रहा है, N2 100 कर देंगे, तो लाभ कितना आ जाएगा, 20%, तो 20% हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अभी अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक संख्या है, पहले 5% की वृद्धि होती है, फिर 15% की वृद्धि होती है, तो ओवरऑल कितने की वृद्धि हुई, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 5% की वृद्धि प्लस 15% की वृद्धि प्लस 5 × 15 डिवाइड बाई 100। तो देखिए 5 और 15 20, यानी 20.75 आंसर आ जाएगा, 20.75 हमारा इस ऑप्शन में है, तो ये वाला आंसर होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये है, क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन किस तरीके से है कि एक महिला की व्यय और बचत का अनुपात जो दे रखा है वो 2:1 दे रखा है, व्यय और बचत का अनुपात 2:1, यानी ये उसका एक्सपेंडिचर है और ये उसका सेविंग है, तो इनकम क्या है, इनकम हम निकाल सकते हैं, इनकम क्या हो जाएगा, 2 और 1 3 उसकी इनकम हो जाएगी, या फिर इसको सहूलियत के लिए हम क्या मान लेते हैं,
100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 200 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और ये 300 उसकी इनकम मान लेते हैं। यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 17% और 16% की वृद्धि की जाए, अगर उसकी आय में हमने 17% वृद्धि कर दी, यानी 300 का 17%, यानी आय जो है अभी उसकी 51 हो गई है, ठीक है, और व्यय जो है इनकम के बाद में एक्सपेंडिचर और सेविंग, तो व्यय जो है व्यय में 13% की वृद्धि हो गई है। अब व्यय कहाँ था, एक्सपेंडिचर ये है, इसमें 13% की वृद्धि मतलब 26 हो गया है, तो सेविंग कितना होना चाहिए, ये 51 है इनकम, 26 इसमें से खर्च हो गया, तो सेविंग कितना हो गया, 25 ही रहेगा। अब ये पूछ रहा है कि बचत में वृद्धि कितनी हुई है, पहले जो सेविंग थी वो 100 थी, अभी सेविंग जो है वो 25 ही है, तो वृद्धि हुई है कमी हुई है, कमी हुई है, 25 बटे 100 इंटू 100, तो ये 25% आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि बचत में 25% वृद्धि हुई है। सेविंग में 25% की यहाँ पर वृद्धि हुई है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि एक कर्मचारी है, अपनी आय का 75% तो वो खर्च करता है, 75% खर्च कर देता है वो, तो बचता कितना है, 25 ही बचता है, सेविंग उसकी 25 ही है, और एक्सपेंडिचर कितना हो गया उसका, 75 उसका एक्सपेंडिचर हो गया, और उसकी सेविंग जो है वो है 25%। कितना है सेविंग, 25% है। अगर उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाती है, इनकम में 25% की वृद्धि कर देते हैं, तो जैसे ही इसकी में 25% की वृद्धि कर देते हैं, तो एक्चुअल हम डेटा लेते हैं यहाँ पर 25 की, 25% की हमने वृद्धि कर दी है, जबकि उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है, व्यय मतलब कि एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि करें इसमें 7.5 की वृद्धि कर रहे हैं, इसका मतलब ये है, तो सेविंग में कितनी वृद्धि होगी, तो सेविंग कितना हो रहा है, 25 में से 7.5 जाएगा तो 17.5 है, तो सेविंग में कितनी वृद्धि हो रही है, तो देखिए 7.5 से 17.5 सेविंग रह गया, पहले जो सेविंग था वो 25 था, तो बच्चा को जो कहते हैं 17.5 ही रहा है, तो 17.25 से 17.5, 17.5 है और ये 25 है इंटू 100, तो देखिए 25 चौके 100, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 चौके 68, 68 दो 70, यानी 70% वृद्धि हो जाएगी बचत में, सेविंग में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 70% यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक चुनाव है, उस चुनाव में दो कैंडिडेट हैं, यहाँ पर वोट लड़े हैं, विजेता को जो वोट मिले हैं वो 54% वोट मिले हैं, और 256 मतों से वो विजयी रहा है, 256 वोट उससे जीत रहा है। यदि 96 मत अवैध घोषित कर दिए गए, जैसे 100 है, 100 में से अगर 96 मत अवैध घोषित कर दिए गए, यानी 100x-96, तो इन अवैध मतों में से भी 54% मत है वो विजेता को मिले हैं, और 54% अगर विजेता को मिले हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 46, यानी 54 एक को मिले हैं विजेता को, तो लूजर को कितने मिलेंगे, 46 मिलेंगे, तो 46 और 54 में डिफरेंस कितने का, 8 का डिफरेंस है, यानी 8 हम इसका निकाल लेंगे, यानी इसका 8%, इसका जो 8% है 8/100, ये इक्वल टू दे रखा है 256 वोटों के, 256 के, तो देखिए 8 से काट देंगे हम, 8 3 24, 8 2 16, 32, 32 मतलब कि 3200, 3200 इधर ये 96 हो जाएगा, 3296 हो जाएगा, तो 100x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3296 आ जाएगी, 3296, और 3296 हमारा ये रहा आंसर। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एक चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, उम्मीदवार को कुल मतों का 40% मत प्राप्त होता है, 40% अगर उसको मत प्राप्त होता है उम्मीदवार को कुल मतों का, यानी प्राप्त जो नहीं हुआ वो कितना है, 60 प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी वह 800 मतों से हारे डाले, फिर भी क्या हो गया, स्टिल लॉस्ट बाई 800 वोट, व्हाट इज दी टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, यानी 40% उसको वोट मिले हैं लेकिन सामने वाली पार्टी को कितने मिलेंगे, 60% वोट मिले होंगे, फिर भी वो 800 मतों से हार गया, यानी 20% का अंतर जो है यहाँ पर वो दे रखा 800 के इक्वल, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, वो कितनी आ गई, 1% की वैल्यू 40 आ गई, 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4000 हो जाएगा, ठीक है, तो 4000 हमारा हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस तरीके से है कि कक्षा है, उस कक्षा में 3/4 विद्यार्थी हैं, 3/4 विद्यार्थी हैं वो लड़के हैं, 3/4 मतलब 3/4 लड़के हैं, कोई कक्षा हो उसमें 3/4 लड़के हैं, 3/4 लड़के हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बाकी एक लड़की है, तो 3 लड़के हैं और एक लड़की है, यानी गर्ल्स कितनी है, एक है, ये 3/4 लड़के हो गए, यदि कक्षा में 120 लड़कियां और शामिल कर ली जाए, 120 लड़की मतलब यहां पर हम 120 लड़की और जोड़ लेते हैं कक्षा में, तो कक्षा में 3/4 लड़कियां हो जाएंगी, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी यहां पर, 3/4 हो जाएंगी, 3/4 लड़कियां मतलब कि लड़के कितना हो गया, 1/4 रह गया, यानी 1:3 हो जाएगा, 3/4 लड़कियां हो जाएंगी। अभी दिया हुआ है कि कक्षा में लड़कियों की संख्या 40 होने के लिए लड़कियों के प्रतिशत में कितनी वृद्धि होनी चाहिए, तो देखिए पहले तो 120 को जोड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि लड़का और लड़कियां सेम रहने वाले हैं, अनुपात चेंज हुआ है इसके जोड़ने से, तो इसको क्या है 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे वाले टर्म को, जैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 3 से मल्टीप्लाई 3:9, ठीक है। अब ये देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है, 8 का डिफरेंस आ रहा है, ये 8 का डिफरेंस है वो दे रखा है 120 के इक्वलेंट, तो एक का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है, अभी 15 आ गया तो 15 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 3 45, जैसे 15 से मल्टीप्लाई किया, 15 3 45 और 15 1 15, ये बॉयज और गर्ल का अनुपात हो गया, तो लड़कियों में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई है, यहां पर 15 है, अभी देखिए एक्चुअल में वृद्धि जो हुई है वो 8 की हुई है, तो 3:8 आ जाएगा क्योंकि पहले 3 थी अभी 8 हो गई है, या फिर हम कह सकते हैं 15 40 लड़कियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 40, 15 पहले 15 थी अभी 40 होनी चाहिए, 15 से 40, इसका मतलब डिफरेंस कितने का आ रहा है, 25, 25 का डिफरेंस आ रहा है, तो 25/15, 25/15 × 100, यानी हम कह सकते हैं कितना, 5/3 × 100, 5/3 × 100 को जब सॉल्व करते हैं हम तब भी हमारे पास में वैल्यू इस तरीके से आएगी 133.666, लाइक दैट, तो उस हिसाब से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, 500/3 हमारा आंसर रहेगा, इतनी परसेंट वृद्धि हमारी हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी संख्या में अगर 44 घटा दिया जाए, किसी संख्या में से 44 अगर घटा दिया जाए, 44 हम घटा देते हैं किसी संख्या में से, तो वह अपने 60% तक कम हो जाता है, तो संख्या का 3/5 ज्ञात करना है उसका,
जैसे कोई संख्या उसके में से 44 घटा दिया, जैसे एक्स कोई संख्या है, एक्स में से अगर 44 घटा दिया जाए तो वह अपने 60% तक कम हो जाता है। तो ये संख्या है, इसमें से 44 घटा दिया तो अपने 60% तक कम हो जाता है। 60% कम हो जाता है मतलब कि हम कह सकते हैं 3/5, 60% कम हो गया है। तो उस संख्या का 3/5 हिस्सा क्या होगा? तो उस संख्या का 3/5 हिस्सा क्या होगा? इस तरीके से कर लेंगे हम सॉल्व। यानी उस संख्या का 3/5 भाग क्या होगा? तो 9/25 होगा उसका, या फिर हम कह सकते हैं कोई संख्या है 100, 100 में से मान लो 44 तुमने घटा दिया तो कितना बचा? 46 बचा या 36 बचा? तो यहां पर बचेगा 56, 56। अब वह अपने 60% तक कम हो जाता है, 60% तक कम हो जाता है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 40 ही बचेगा। 40% मतलब कि 40 का मतलब कैसे 2/5 हो गया, 2/5। और उस संख्या का 3/5 भाग क्या होगा? तो उसका भी 3/5 भाग हम सोल्व कर लेंगे उस तरीके से। तो उस हिसाब से हम निकालेंगे तो 66 आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये 6 है, 6 × 11 के हिसाब से हो जाएगा बिल्लू। तो चार 100 ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 44 इंटू 2/5 इंटू 3/5 इंटू 100, तो उस हिसाब से हमारी वैल्यू आ जाएगी 66। या फिर दूसरा तरीका ये है, हम रेंडमली ये भी मान सकते हैं। देखिए, कोई संख्या में से 44 हमने घटा दिया, कोई संख्या मान ली हमने x, ठीक है, इस संख्या में से हमने 44 घटा दिया, यह अपने 60% तक कम हो जाती है। तो ये संख्या है, ये 60% तक कम हो जाती है, यानी x इंटू 40/100, x इंटू 40/100, 40x/100 यानी 2/5, यानी 2x/5 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 5x माइनस के 5 × 20, ऐसा लगे 2, 5 × 20 और 2 × 22, 220, इसकी वैल्यू है 2x के बराबर। तो 3x की वैल्यू आ जाएगी 220, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 220/3। इस 220/3 का 3/5 हिस्सा क्या होगा? तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3/5 हिस्सा, तो ये कट जाएगा 5 × 20, 5 × 20 44 हो गया x की वैल्यू। तो उस संख्या का बचा कुचा हिस्सा क्या रहेगा? तो उस संख्या का 3/5 हिस्सा यहाँ पर 44 है, तो रिमेनिंग हिस्सा क्या रहेगा? 66 रहेगा। तो 66 हमारा आंसर रहेगा। तो किसी संख्या में से अगर 44 घटा दिया जाए तो 60% तक कम हो जाता है, तो वो संख्या 66 रहेगी। तो 100 ऑप्शन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? रिवर्स प्रोसेस से हम सॉल्व करेंगे इसको। तो रंजीत अपनी मासिक वेतन का 30% भोजन पर खर्च करता है। 30% भोजन को ऐसे लिखेंगे 3/10। फिर 15% कपड़ों पर खर्च करता है, तो 15/100 भी कर सकते हैं इसको।
बटे 100 को 3/20 भी कर सकते हैं, यानी ये कपड़ों पर खर्च कर रहा है, ये कपड़े हैं, और ये 30% वो भोजन पर खर्च कर रहा है यानी फूड पर खर्च कर रहा है। और शेष देखिए हर बार शेष आ रहा है इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं, शेष वेतन का 25% किराए पर खर्च करता है, 25% मतलब 1/4 वो किराए पर खर्च कर रहा है यानी टैक्स दे रहा है, रूम रेंट दे रहा है, जो भी दे रहा है। और शेष वेतन का 20% ईंधन पर खर्च कर रहा है, 20% मतलब 1/5 हिस्सा है वो फ्यूल पर खर्च कर रहा है, फिर भी उसके पास में 5,335 रुपये बच जाते हैं। उसके बाद भी उसके पास कितना बच जाता है, 5,355 रुपये बच जाता है। तो वो पूछ रहा है कि भाई उसका मासिक वेतन क्या है, तो कैसे सोल्व करेंगे। पहली बात तो हमें देखना पड़ेगा कि वो वैल्यू क्या होगी। 3/10 उसने खर्च कर दिया, इसका मतलब बचा कितना, 7/10। तो 7/10, फिर 3/20 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 17/20। फिर 1/5 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 3/4। फिर 1/5 खर्च कर दिया, 3/4। फिर 1/5 खर्च कर दिया मतलब 4/5 बचा, ये रिमेनिंग है, उल्टा प्रोसेस में हम देखा, 4/5 बचा। तो इन सब की वैल्यू कितनी रखी है, 5,355। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं हम, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी इससे, 5,355। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले आप 17 से काट दीजिए, 17 3 51, 2 बचेगा, और 17 51 हो गया, 2 बचेगा, 17 1 17 और 8 बचेगा, 17 5 85, 315 बार कट गया। अभी 7 से काट दीजिए इसको, 7 से कटेगा, 7 6 28 और 7 5 35। फिर 3 से काट दीजिए, 3 से 15 3 45। फिर इस 5 से काट दीजिए, 3 बार कटेगा, 3 5 5। तो ऐसे करके हम देखते हैं, ये 20 है, 45 हो गया है, फिर 15 हो गया है, 3 से भी काट दिया, 15 हो गया है, 5 से काट देंगे तो 4 और इधर 3 ही बचेगा, फिर 4 से 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 ठीक है। और इस तरीके से 1 5 से मल्टीप्लाई रहेगी वैल्यू, तो 15, 1 की वैल्यू आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 15। ऐसे तो 4 यूनिट की वैल्यू 15 आएगी क्योंकि 10 ये है यहाँ पर, 10 भी ये भी है, 30 हो जाएगा। तो उस हिसाब से 4 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 15। इसको हम सॉल्व करेंगे पूरे को, क्या आ जाएगी, 4 की यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 15। तो अगर 100 यूनिट की वैल्यू पूछे तो ये 25 से मल्टीप्लाई करने का, तो ये भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 15 × 25 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन हमें यहाँ पर ये देखना है कि भाई 4 की वैल्यू 15 के इक्वलेंट है, तो मासिक वेतन 4 मतलब 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है एक तरीके से। तो 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000 आंसर आ जाएगा, 15,000 की वैल्यू आ जाएगी।